बोल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल्ला बोल रहे हैं एक और ऐसी योजना दरअसल जो धरातल पर उतरती है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही मायनों में सही तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है कि अगर आपकी दोबारा शादी करवा दी जाती है तो आपको गृहस्थी का सामान मिल जाएगा और गरीब लोग इसमें फंस भी जाते हैं। लेकिन हैरानी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो लापरवाह है, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उन पर अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ खुद फोनलाइन पर विधायक साहब जुड़े, उन्होंने कहा कि ये पूरी शिकायत जो है प्रशासनिक नुमाइंदों तक उनकी ओर से की गई, खुद सूबे के मुखिया को भी वो कर चुके हैं लेकिन अभी तक कहीं कोई भी एक्शन हुआ नहीं है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। योगेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र। खुद जो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि शिकायत उनकी ओर से की गई है और आगे वो ख्याल रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके कोई समारोह हो तो उसको पूरी तरीके से पढ़ें समझें कि कहीं फर्जी तरीके से कन्यादान योजना न हो जाए। तो क्या समझा जाए कि क्या कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है इस पर? सब इस पर कार्रवाई तो होती, अभी तक कोई नजर नहीं आ रही क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला ही इसमें शामिल होता है, वो प्रशासनिक अमला खुद करवाता है ऐसे फर्जी विवाह। यहाँ ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, प्रशासनिक अमला इसमें इन्वॉल्व होता है और शिकायत भी उन्हीं तक पहुंचाई गई है, तो क्या ईमानदारी के साथ सही मायनों में यहाँ पर कार्रवाई होती नजर आएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि ये एक किस्म से अपराध है जो प्रशासनिक नुमाइंदों ने खुद किया है, चाहे वो टारगेट पूरा करने के लिए किया गया हो। अपराध तो प्रशासनिक अमले ने किया है, पर ये तो प्रदेश के मुखिया पे है कि उनको क्या पनिशमेंट देता है। जी चलिए योगेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कि यहाँ पर प्रशासनिक नुमाइंदों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके देखरेख में ये पूरा समारोह किया जाता है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से कहा गया कि ऐसी कहीं भी कोई अनियमितता नहीं है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी कि जो अपात्र लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं है, इसका साफ तौर पर वो इनकार कर गए। लेकिन यहाँ सवाल पर खड़ा होता है कि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो सच्चाई बयां कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधायक साहब हैं उन्होंने भी शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं, और अगर ऐसा चलता रहा तो ये साफ समझा जा सकता है कि ऐसी कई योजनाओं का गलत तरीके से इंप्लीमेंटेशन धरातल पर होता है जिसका नुकसान गरीब जनता का होता है। इसी के साथ आज के अल्लाह बोल में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।